माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर यानी भौतिक विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसलिए यह वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं, और पहले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, प्रकाश के बारे में बताए थे, और प्रकाश के बारे में बहुत ही बारीकी से और विस्तार से हम आपको बताए थे, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझा करके आपको बताए थे, और आप लोग पूरा पूरा समझ भी गए थे। और आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं प्रवर्तन के बारे में। आज हम आप लोगों को प्रवर्तन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे कि प्रवर्तन क्या है, प्रवर्तन का नियम क्या है, सब कुछ हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो बस आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा एकदम ध्यान से, कंसंट्रेट होकर के, ताकि प्रवर्तन के बारे में भी आप लोगों को उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जैसा कि आप लोगों को प्रकाश के बारे में समझ में आया था। लेकिन सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से जैसे ही लाइव क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे ताकि आपके जितने सारे भी दोस्त हैं, जितने सारे भी आपके पास ग्रुप है, सभी ग्रुप में आप लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का दूसरा नंबर पार्ट यानी कि दूसरा क्लास। तो पहले क्लास में हम आपको प्रकाश के बारे में बता दिए थे, आज हम आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसको पूरा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो लाइट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे, लाइट के बारे में आज हम लोग रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले क्लास में जो कुछ भी पढ़े थे उसका एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, बस दो मिनट में पूरा हम लोग एक नजर देख लेंगे कि हम लोग पहले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं अगर वह नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लेंगे कि पहला क्लास में सर क्या क्या पढ़ाए थे। तो पहले क्लास में हम आपको सबसे पहले क्या पढ़ाए थे, प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश क्या है, और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए थे जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। हमेशा एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसमें यह सब चीज पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, यह सब कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो सब कुछ हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे। उसके बाद हम आपको प्रकाश का स्रोत बताए थे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आपको आत्मदीप्त पदार्थ पढ़ाए थे, अदीप्त पदार्थ पढ़ाए थे। उसके बाद हम आपको रे के बारे में पढ़ाए थे, जो किरण होता है इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो किरण है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, आर ए वाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आपको किरण पुंज पढ़ाए थे कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। हम जैसे ही बोल रहे हैं आप लोग कमेंट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को भी रिवाइज हो जाए। तो हम आपको किरण पुंज के बारे में बताए थे, और साथ ही साथ किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीनों के बारे में हम आपको बताए थे कि समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा किए थे और तीनों के बारे में हम आपको बताए थे। और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम आपसे पूछे थे और आप लोग इसका बिल्कुल सही सही जवाब दिए थे। उसके बाद हम आपको प्रकाशीय माध्यम के बारे में बताए थे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें दो प्रकार के हम आपको बताए थे, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। ठीक है, तो समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है या फिर पहले भी पूछ चुका है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जहां पर हम कोचिंग जाते हैं ना, वहां पर सर जो है वह समांगी और विषमांगी पढ़ाए ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समांगी विषमांगी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग लगभग एक दो बार पूछा भी है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जो पदार्थ होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि तीन प्रकार के होते हैं, पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी, और तीसरा पारभासी पदार्थ। और तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा किए थे और आप लोग समझ भी गए थे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट लिए थे, जिसका आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब पढ़ाए थे, सॉरी बिल्कुल सही सही जवाब बताए थे, क्योंकि आप लोग सब कुछ समझ गए थे। तो हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका आप लोग जवाब बताए थे। और अंत में हम आपको छाया के बारे में बताए थे। ठीक है, कि छाया, जिसको परछाई बोलते हैं, कि छाया क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां से कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं।
प्रकाश के बारे में तो आप लोग समझ गए थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको परावर्तन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट बताते हैं कि परावर्तन मतलब होता क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आ जाना। परावर्तन मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु से टकरा करके जब उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन यानी कि क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अगर कोई वस्तु है अगर टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। जैसे आप लोग बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, 3 विकेट इधर 3 विकेट इधर था और यहाँ पर एक बल्लेबाज रहता था और बल्लेबाज क्या करता था, बैटिंग करता था, ठीक है। बल्लेबाज क्या करता था, हाथ में बैट पकड़ करके बैटिंग करता था और जो बॉलर होता था यहाँ से बॉल पटकता था और यहाँ से परावर्तन होने के बाद यहाँ पर जाता था कि नहीं जाता था, बिल्कुल जाता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बॉल का परावर्तन हो रहा है क्योंकि जैसे ही बॉल यहाँ से आया टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, तो बॉल का यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। या फिर आप लोग परावर्तन वाला और ज्यादा खेल खेले होंगे, जब कोई लड़का नहीं मिलता है खेलने वाला तो आप लोग क्या करते थे कि बॉल को हाथ में ले करके और दीवार पर मारते थे और कैच करते थे, ठीक है, दीवार पर मारते थे और खुद से ही कैच करते थे। तो जब दीवार पर आप बॉल को मारे और वह बॉल जो है वह सामने दीवार से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता था तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। मतलब कि जो बॉल है उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है क्योंकि बॉल वापस लौट करके आ रहा है टकराने के बाद। तो बस टकरा करके वापस आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परावर्तन बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पर तो बॉल का परावर्तन हो रहा था, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। जिस प्रकार से बॉल का परावर्तन में बॉल टकराने के बाद वापस आ रहा था, उसी तरीके से प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश है वह टकराने के बाद वापस आ जाता है। अब किसी से टकराने के बाद वापस आता है तो अभी हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि यह परावर्तक सतह हो गया, क्या हो गया, यह परावर्तक सतह हो गया, कोई प्रकाश है जो इधर से आ रहा है, ठीक, कोई प्रकाश इधर से आ रहा है और इस परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश तो आया लेकिन टकरा करके वापस लौट गया तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस टॉर्च को आप लोग देख लीजिए, टॉर्च को आप लोग देख रहे हैं, यह परावर्तक सतह है, ठीक है, टॉर्च के आगे यह जो सतह आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, परावर्तक सतह है। जब टॉर्च जलता है तो इससे जो रोशनी निकलता है यह परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापस अपने ही माध्यम में लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है। यह जो टॉर्च का प्रकाश है टकराने के बाद वापस अपने माध्यम में लौट रहा है, तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे अभी ना हम आपको एग्जांपल दे करके बताए कि जब बॉल को मारते थे बॉल दीवार से टकरा करके वापस आ जाता था तो वहां पर बॉल का परावर्तन, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रकाश है वह टकराने के बाद वापस जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए ना कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सतह कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि अपारदर्शी होना चाहिए, जो सतह है यह कैसा होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह पारदर्शी होना चाहिए कि अपारदर्शी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर शीशा पर टॉर्च चलाएंगे तो क्या लौटेगा, नहीं लौटेगा, शीशा को आर पार करके प्रकाश उधर चल जाएगा क्योंकि वह पारदर्शी है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि सतह जो है वह हमेशा अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह अपारदर्शी होना चाहिए, तभी जो है वह प्रकाश लौटेगा और प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए थे। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए ना कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर परावर्तन है क्या। जब तक नहीं समझेंगे आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो परावर्तन आप लोग समझ गए। अब कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर जो परावर्तक सतह होता है वह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें।
बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, पिछले वाले जो क्लास किए होंगे 20 मिनट उनको पता भी होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के आधार पर जो प्रवर्तक सतह होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आप लोग कमेंट में करते चलिएगा, कमेंट करिएगा, जितना बार लिखिएगा उतना बार रिवाइज होगा, आपको याद होगा, ठीक है। तो प्रवर्तक सतह जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित प्रवर्तन और दूसरा होता है अनियमित प्रवर्तन। पहला नियमित प्रवर्तन और दूसरा अनियमित प्रवर्तन। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि नियमित प्रवर्तन क्या है और अनियमित प्रवर्तन क्या है। बारी बारी से हम लोग दोनों को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि नियमित प्रवर्तन क्या है और अनियमित प्रवर्तन क्या है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसका परिभाषा कह रहा है कि वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से, यहां पर सबसे मुख्य पॉइंट है, इस चीज को आप लोग अगर समझ गए तो नियमित और अनियमित समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित प्रवर्तन कहते हैं। चिकनी सतह से कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक चिकना सतह ले लेते हैं, ठीक है, एक चिकना सतह ले लेते हैं हम लोग। पीछे इस तरीके से इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हम इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो यह सतह है यह पारदर्शी नहीं है बल्कि अपारदर्शी है, क्योंकि पीछे से कुछ लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग सतह लेंगे ना तो उसके पीछे इस प्रकार का आप लोग जरूर बना दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, तो यह तो सतह ले लिए हम लोग, चिकना भी ले लिए और चमकीला भी ले लिए। अब इस पर जो प्रवर्तन होगा ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित प्रवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियमित प्रवर्तन, क्योंकि यह चिकना सतह से हो रहा है। यहां तक समझ गए? कोई आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीधे सीधे आप लोग इतना समझ जाइए कि अगर चिकना और चमकीला सतह से प्रवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग नियमित प्रवर्तन कहते हैं, और नियमित का सीधे उल्टा क्या होता है? अनियमित होता है। यहां पर चित्र भी हम बना दिए, आप लोग देख रहे हैं कि जो चिकना सतह है उसे लगातार प्रवर्तन हो रहा है, और सीधे इसका उल्टा होता है अनियमित। नियमित का उल्टा क्या होता है? नियमित का विपरीतार्थक, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, नियमित का विपरीतार्थक क्या होता है? अनियमित होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि नियमित और अनियमित, तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, और इसमें क्या हो जाएगा? चिकना का उल्टा क्या होता है? चिकना का उल्टा रुखड़ा होता है। तो इसमें चिकना सतह से प्रवर्तन हो रहा था लेकिन अनियमित प्रवर्तन में रुखड़ी सतह से प्रवर्तन होगा, ठीक है। अनियमित प्रवर्तन में क्या हो जाएगा? रुखड़ी और चमकीली सतह से अगर नियमित रूप से प्रवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित प्रवर्तन बोलेंगे। रुखड़ी सतह, तो इसका चित्र हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे क्योंकि रुखड़ा सतह है, तो इस प्रकार से रुखड़ा, और इसके पीछे हम लोग क्या कर देंगे? इस प्रकार से प्रवर्तक सतह ना हमको बनाना है। आपको अभी हम बताए कि इस प्रकार से आप लोगों को जरूर बनाना है, ठीक है। इस पर प्रवर्तन जो होगा इस प्रकार से होगा, इधर से प्रकाश आएगा और जिधर तिधर मुड़ जाएगा क्योंकि रुखड़ा सतह है। इस तरीके से जो प्रवर्तन होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित प्रवर्तन बोलेंगे। इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, अनियमित प्रवर्तन और नियमित प्रवर्तन। इतना आप लोग समझ गए, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं ना? नियमित और अनियमित प्रवर्तन में अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट से कमेंट करिए और कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट का आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो नियमित और अनियमित आप लोग समझ गए कि वैसा प्रवर्तक, नियमित और अनियमित में वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से होता है उसको नियमित प्रवर्तन, और जो रुखड़ी सतह से होता है उसको अनियमित प्रवर्तन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहां से आपको हम बताएंगे प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य बिंदु के बारे में। यहां से जो आपका चैप्टर है ना वह VVI है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां से आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिए तो समझिए कि यह पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। यहां के बाद से आपको पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा, एकदम ध्यान केंद्रित कर करके, क्योंकि यहां पर जो चीज हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपका असली चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले जो कुछ भी बता रहे थे बेसिक पॉइंट था, यहां से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रवर्तक सतह क्या होता है। ऐसे तो अभी हम आपको प्रवर्तक सतह के बारे में बता रहे थे कि इस प्रकार से एक सतह हम लोग ले लेते हैं जहां पर प्रकाश की जो किरण है आकर के टकराती है, ठीक है। यह प्रवर्तक सतह ले लिए, यह किरण आकर के टकराता था और ऐसे लौट जाता था। तो यह जो सतह हो गया ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह बोलते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है। यह जो सतह हो गया इसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं?
परावर्तक सतह बोलते हैं। तो परावर्तक सतह का परिभाषा क्या लिखेंगे, किस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। अभी आप लोग देख लीजिए, इस सतह पर प्रकाश की किरण आई और अपने माध्यम में लौट गई, तो इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। परावर्तक सतह आप लोग समझ गए। उसके बाद अगला होता है आपतित किरण। अगला क्या होता है भाई, आपतित किरण होता है। चलिए एक बार फिर से चित्र बना करके हम आपको समझाते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम आपको परावर्तक सतह के बारे में बता रहे थे, यह तो परावर्तक सतह हो गया और इस पर प्रकाश की किरण आ रही थी। तो देखिए, यह जो किरण है ना, जो आने वाला किरण है, जो आने वाला लौट करके जाने वाला नहीं, ऐसे तो यहां से इधर जो लौट करके जाएगा, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आने वाला किरण है ना, जो परावर्तक सतह पर आकर के टकरा रहा है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इंसिडेंट रे हम अंग्रेजी में क्यों लिखे हैं, यहाँ पर हम अंग्रेजी में इसलिए लिखे क्योंकि इंसिडेंट आई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको आई से सूचित हम लोग करते हैं। आपतित किरण को किस चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपतित किरण आप लोग समझ गए कि आपतित किरण के बारे में आप लोग समझ गए कि जो परावर्तक सतह पर आने वाला किरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि परावर्तित किरण क्या होता है। परावर्तित किरण आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसे तो पिछला क्लास जो किए होंगे वो समझ गए होंगे। यह क्या हो गया, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, अभी जो हम यह चित्र बनाए हैं, यह कौन सा, यह क्या है, आपतित किरण है कि परावर्तित किरण है, जल्दी से बताइए तो आप लोग कमेंट करके। यह क्या है, आपतित किरण है कि परावर्तित किरण है? नहीं सर, सतह है। चलिए बहुत बढ़िया। यह क्या है, तो एक सतह है, ठीक है, सरफेस है। तो इस पर क्या था, आपतित किरण आ रहा था, ठीक है, इस पर आपतित किरण आ रहा था। यह क्या हो गया अपना, यह हो गया परावर्तक सतह। चलिए नाम हम फिर से लिख देते हैं एक बार, यह क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। यह क्या हो गया भाई, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, आपतित किरण। इसको किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपतित किरण हो गया, लेकिन यहां पर टकराने के बाद जो किरण यह लौटता है ना, यहां पर टकराने के बाद जो किरण लौट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे आर से शुरू हो रहा है, रिफ्लेक्टेड आर से शुरू हो रहा है, इसलिए जो परावर्तित किरण है इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब समझ में आ गया कि अंग्रेजी का क्या महत्व है। आपतित किरण को अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोल रहे थे, इसलिए हम लोग इसको आई से सूचित कर रहे थे आपतित किरण को। उसके बाद परावर्तित किरण को अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसलिए परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। तो यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होगा, परावर्तक सतह, आपतित किरण और परावर्तित किरण में, परावर्तक सतह, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीनों में कोई दिक्कत तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तीनों के बारे में आप लोग समझ गए। यह हमारा परावर्तक सतह हो गया, यह क्या हो गया, आपतित किरण, और इधर से टकरा करके लौट रहा है, यह क्या हो गया, परावर्तित किरण। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। यहां तक एकदम नो डाउट है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। आगे हम आपको क्या बताते हैं, आपतन बिंदु के बारे में। चलिए फिर से एक बार हम चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से ही आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, यह क्या बना रहे हैं हम, परावर्तक सतह बना रहे हैं। यह क्या है भाई, परावर्तक सतह है, इसके बारे में तो आप लोग समझ गए। यह क्या है, आपतित किरण है सर, यह क्या है, आपतित किरण है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह क्या है, आपतित किरण है। और उसके बाद यह जो लौट करके गया, यह कौन सा किरण है, तो यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको आई से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, हम आपको आपतन बिंदु बता रहे हैं ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण यह वाला हो गया, परावर्तक सतह के यह वाला हो गया, जिस बिंदु पर आकर के टकरा रहा है, यहां पर आकर के टकरा रहा है ना, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु।
इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा हम लोग इसका लिखेंगे आपतन बिंदु का, कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, ध्यान से आप लोग समझिए, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आ करके मिलती है या फिर आती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु आप लोग समझ गए। अब उसके बाद अगला है, अभिलंब किसे कहते हैं। अगला क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब के बारे में आप लोग यहां पर समझिए, कह रहा है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभी हम आपको बताए कि आपतन बिंदु यह वाला है, इस पर डाले गए लंब को, लंब किसको बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को लंब बोलते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बना देंगे, इसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, यह जैसे ही हम लंब खींच दिए तो अब इस लंब का नाम क्या पड़ गया, अभिलंब। देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, समकोण बन जाएगा, तो इस लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यह कहां पर बना है, तो आपतन बिंदु पर बना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो आपतन बिंदु है उसी पर यह लंब दिया गया है। तो अभिलंब का परिभाषा बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अभी तक हम आपको क्या बताए हैं, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, इतना चीज हम आपको बता दिए, बिल्कुल याद करते चलिएगा। अब देखिए अगला नंबर कह रहा है कि आपतन कोण क्या है। आपतन कोण जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपके इस चैप्टर में, तो आपतन कोण आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यह क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, इस पर आपतित किरण आ रही है, इस पर यह आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो हमारा आपतित किरण कौन सा है बाबू, यह वाला है। आपतित किरण हमारा कौन सा है, यह वाला है। अभिलंब कोण वाला है, तो यह वाला है। इस दोनों के बीच जो कोण बन रहा है यानी कि यह वाला कोण, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। तो समझ गए आप लोग कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण आप लोग समझ गए। आपतित किरण यानी कि यह वाला और अभिलंब यानी कि जो यह वाला है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। जैसे अभी यह वाला, इसको हम थोड़ा सा प्रिंटेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यह वाला जो एंगल है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। उसके बाद अगला है कि परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण अगला क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि परावर्तन कोण क्या है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिस प्रकार से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था उसको हम लोग आपतन कोण बोल रहे थे, उसी तरह से परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण हमारा ये वाला है, अभिलंब हमारा ये वाला है, तो जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा यानी कि हमारा जो यह वाला कोण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए, इस वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस वाले कोण को आपतन कोण, कौन वाला कोण, तो यह वाला हमारा कोण। और उसके बाद दूसरी तरफ जो यह वाला कोण है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए, इतना में कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को है तो आप लोग कंफर्म होकर के जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है, बिना शर्माए हुए। पूछने में थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है। अगर 0.001% भी आप लोगों को डाउट है ना, तो फटाक से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत उसको रिपीट करेंगे और फिर से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम आपको क्या बताए, इतना आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें इतना मुख्य बेसिक पॉइंट है। अगर इतना आप लोग समझ जाते हैं तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हम आपको क्या बताए, यह वाला जो सतह है यह क्या है, परावर्तक सतह है। यह वाला जो सतह है यह क्या है, परावर्तक सतह है। यह वाला जो किरण है क्या है, आपतित किरण है। यह वाला जो किरण है जो जो लौट के जा रही है,
यह क्या है, परावर्तित किरण है, और जहां पर यह टकरा रही है यह बिंदु कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और उसके अलावा सबसे लास्ट में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इतना अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि जो परावर्तन होता है ना, जो परावर्तन पढ़ना है उसका उसका आप समझिए कि 20% समझ गए, 20%, ठीक है। जो परावर्तन है वह 20% समझ गए, और परावर्तन समझने में अब आपको 100% सुविधा होगा, ठीक है। परावर्तन समझने में अब आपको 100% सुविधा होगा जब आप लोग इतना पॉइंट समझ गए। कितना, अभी आपको हम बताए ना, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इतना समझ गए तो समझिए कि आपका अब परावर्तन समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अभी हम आपको क्या बता रहे थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहे थे, अब इसके नियम के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जो परावर्तन है ना, इसका दो नियम है, प्रकाश का जो परावर्तन है इसका दो नियम है। इसके बाद अगले चैप्टर में जब हम आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहां पर भी दो नियम है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर परावर्तन पढ़ रहे हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग के मन में कंफ्यूजन चलता होगा कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा कि जो परावर्तन वाला चैप्टर है इसमें हम लोगों को दर्पण के बारे में पढ़ना है। जो परावर्तन वाला चैप्टर है ना, पहला नंबर चैप्टर, इसमें हम लोगों को दर्पण के बारे में पढ़ना है, और जो दूसरा नंबर चैप्टर है अपवर्तन वाला, उसमें हम लोगों को लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले नंबर चैप्टर में हम लोगों को दर्पण के बारे में पढ़ना है, और दूसरा नंबर चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हम लोगों को लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दर्पण और लेंस दो चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि इसके अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि यह जो सरफेस हो गया, जो सतह हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर है भाई, तो एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में ना है, इसका सतह तो एक ही है, इसका सरफेस जो है वह एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें दो सरफेस है, इसका सरफेस एक ही है। तो पहला नियम यही कहता है कि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह अपना आपतित किरण हो गया, यह अपना परावर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु हो गया, और इस पर डाला गया लंब, देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में है कि नहीं है, सरफेस दो गो है, तीन गो है, एक ही गो है, तो एक ही तल में होता है। तो पहला नियम यही कहता है, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है यह तीनों एक ही तल में होता है। यहां तक आप लोग समझ गए, बहुत ही ज्यादा सिंपल, दोनों नियम इतना ज्यादा आसान है कि एक बार में आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। बस समझाने वाला बढ़िया होना चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आ रहा होगा। तो पहला नंबर समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अभी ना हम आपको बताए कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, और उसके बाद बताए कि परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, यहां पर बताए, और इसके पहले हम आपको कंठस्थ करा चुके हैं। देखिए यहां पर मतलब अगर किताब के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके और आपको याद भी हो गया। तो दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा यह परावर्तक सतह हो गया, यह आपतित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया, और यह क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतन कोण कौन वाला है जी, आपतन कोण यह वाला है, और परावर्तन कोण कौन वाला है, परावर्तन कोण भी हम चिन्हित कर देते हैं, परावर्तन कोण अपना यह वाला है, जो ब्लू वाला कोण है ना, यह आपतन कोण है, और यह वाला क्या है, परावर्तन कोण है। तो यहां पर दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी मान लिया जाए कि अगर आपतन कोण 55 डिग्री है, आपतन कोण कितना है 55 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, आपतन कोण का वैल्यू अगर 55 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 55 ही होगा। उसी तरह से और देख लीजिए, मान लिया जाए कि आपतन कोण कितना है 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 40 डिग्री ही होगा। यानी कि जितना आपतन कोण होगा परावर्तन कोण भी सेम टू सेम उतना होगा, एक न कम होगा न एक ज्यादा होगा। समझ में आ गया? यानी जो परावर्तन का नियम है उसका दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस पर हम आपको आगे न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाएंगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस पर आगे हम न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे, और इस पर क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, क्वेश्चन इस पर पूछेगा। आप लोग लिख करके रख लीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हमारा यही कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतना लंबा चौड़ा आप लोग नहीं याद करिएगा फिर भी चलेगा, बस एक लाइन में याद कर लीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इतना तक आप लोगों को तो एकदम कंठस्थ याद हो गया होगा, बिल्कुल। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारा अंदाज है आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्रकाश का दोनों नियम समझ गए। देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और लगभग लगभग हर एक साल पूछता है, एक साल नहीं हर एक साल पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर एक साल पूछता है, आप लोग एकदम रट लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है यह वाला, जो ऑब्जेक्टिव है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बस सिंपल सा जवाब है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और समझिए, इतना सा आप लोग जान गए, एक नंबर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि विचलन कोण क्या है। यह वाला चीज जो है ना बाबू, बहुत बार पूछ चुका है कि विचलन कोण क्या है। विचलन कोण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, और लघु उत्तरीय में जब पूछता है ना, जब दो नंबर का पूछता है। ठीक है, विचलन कोण जो है यह जब पूछता है तो दो नंबर का पूछता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि विचलन कोण क्या है। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ऐसे नहीं आप लोग समझ पाइएगा, चित्र के माध्यम से समझिए तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आपतित किरण, यह अपना परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, आपतित किरण हम यहां पर ले लिए। ठीक है, यह परावर्तित किरण हो गया, यह क्या हो गया अभिलंब हो गया। छोड़िए अभिलंब को, हम लोग इसको दे ही देते हैं। ठीक है, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और एक क्या हो गया अभिलंब हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण तो यहां पर है, यहां के वास्ते तो लौट गया है, लेकिन आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, यानी कि जब इधर आ रहा है तो इसको हम लोग डॉट डॉट से इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, डॉट डॉट से क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। परिभाषा में क्या कह रहा है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, परावर्तित किरण अपना ये वाला है, यानी कि जो बढ़ाया गया भाग है इससे परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अच्छा, तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए, कोण तो दो तरीके का बन रहा है, जैसे यह बढ़ाया गया भाग है, आपतित किरण का बढ़ाया गया भाग है, तो यहां पर दो तरीके का कोण बन रहा है। एक तो परावर्तित किरण के बीच ऐसे कोण बन जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, एक तो ऐसे कोण बन जाएगा, और दूसरा कोण कैसे बनेगा, दूसरा कोण यहां से तो यहां तक बन जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कुछ, क्या कह रहा है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, एक कोण तो हमारा ऐसे बन गया परावर्तित किरण और बढ़ाए गए भाग के बीच में, और दूसरा ऐसे भी तो बन गया, यानी कि एक घड़ी के दिशा में बन रहा है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है। घड़ी आप लोग जानते हैं ना कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है। ठीक है, घड़ी ऐसे चलता है, तो एक हमारा घड़ी के जो घड़ी का दिशा है तो घड़ी के दिशा में बन रहा है, और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो देख लीजिए विपरीत दिशा क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक घड़ी का विपरीत दिशा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक जो है वह घड़ी के विपरीत दिशा में, और एक घड़ी के जो एक घड़ी का दिशा होता है उधर, और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम लोग लिखते हैं कि यह दो तरीके से बनता है, यानी कि जो विचलन कोण होता है यह दो तरीके से बनता है, एक घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ गए आप लोग कि घड़ी के दिशा में कैसे बन रहा है और घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे बन रहा है।
समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को समझ में आ गया, एक कोण यह वाला बन रहा है और दूसरा कोण यहां से यहां तक यह वाला बन रहा है। यहां तक आप लोग समझ गए, विचलन कोण तो समझ गए ना। विचलन कोण में अगर दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से एक बार बता देते हैं। विचलन कोण में दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, हम फिर से एक बार बता देते हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। यह परावर्तक सतह हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अभिलंब को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, अभिलंब को छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी आप लोग चित्र बनाइएगा ना तो बीच में अभिलंब जरूर दर्शाइएगा, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और यह परावर्तक सतह हो गया। कह रहा है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, तो आपतित किरण का बढ़ाया गया भाग यह वाला है जी, आपतित किरण का भाग हम बढ़ा लिए। और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, तो एक कोण अपना यह वाला बन रहा है, ठीक है, और दूसरा कोण कहां पर बन रहा है, तो दूसरा कोण अपना यह वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां से यहां तक, क्योंकि बढ़ाया गया भाग यहां पर है और परावर्तित किरण यहां पर, तो एक तो सीधा बन गया और एक उल्टा बन गया। सीधा यानी कि घड़ी के दिशा में, उल्टा यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, बस इसी को तो समझना है। तो यह दो तरीके से बनता है, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां तक आप लोग समझ गए, विपरीत दिशा में और घड़ी के दिशा में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और है, ध्यान रखिएगा, जो विचलन कोण होता है उसको डेल से सूचित करते हैं। डेल का साइन इस प्रकार से होता है, देख लीजिए, डेल, बस ऐसे हाथ को ऐसे घुमा देना है, ठीक है। एबीसीडी में एस लिखते हैं ना, एस, तो एस को बस पीछे से ऐसे घुमा देना है, इसी को डेल बोलते हैं। जिसको लिखने नहीं आएगा तो एबीसीडी वाला एस लिखना और पीछे से इसका मुंह ऐसे जोड़ देना, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, और डेल हम लोग विचलन कोण को ही लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विचलन कोण के बारे में इतना तो आप लोग समझ गए, विचलन कोण को क्या लिखते हैं, डेल लिखते हैं। अच्छा, विचलन कोण बराबर एक फॉर्मूला भी होता है। अभी हम आपको बताए ना कि घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में दो तरीके से होता है। तो अगर घड़ी के दिशा में रहे, यहां पर आप लोग समझिए, अगर घड़ी के दिशा में रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला है। अगर घड़ी के दिशा में रहे तो 180 डिग्री प्लस 2i, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में रहे तो 180 डिग्री माइनस 2i। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं नोमेरिकल में, ठीक है, नोमेरिकल में, जो कि 5 नंबर तक में भी पूछ देता है। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके नीचे दिखाएंगे। पहले आप लोग विचलन कोण समझ लीजिए, तब आपसे प्रश्न बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मुख्य रूप से आप लोगों को यह वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको एकदम आप लोग छोड़ दीजिए। घड़ी के दिशा में लगभग नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में ही पूछा जाता है। इसलिए हम यहां पर एक ही फॉर्मूला लिखे हैं, 180 डिग्री माइनस 2i, ध्यान रखिएगा। आई क्या है जल्दी से आप लोग बताइए तो कमेंट करके, आई क्या है, हम आई क्यों लिखे हैं, आई इंसिडेंट रे, कुछ याद आया, आई क्या है, वहां पर आपतित किरण है, आई क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो बस उसको पुट कर देना है, बना देना है। जैसे मान लिया जाए कि आई बराबर हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आई बराबर हमारा वैल्यू दिया हुआ है, कितना, आई बराबर हमारा वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, आई बराबर वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री, तो बस हम लोग इसको बना देंगे 180 डिग्री माइनस 2 गुने, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, आई बराबर कितना है 20 डिग्री है, तो 20 कर देंगे, देख लीजिए 180 डिग्री माइनस 20 दूनी 40, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, आंसर हो गया। अगर आई का वैल्यू दिया हुआ है तो सीधे हम लोग इस फॉर्मूला पर रखेंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी विचलन को निकल जाएगा, या हमारा क्या निकल जाएगा, विचलन को निकल जाएगा। यहाँ पर टेल हम लिख दिए, ठीक है, विचलन कोण हम बार बार न लिख करके क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अगर इसके जगह पर कोई दूसरा वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देकर के हम आपको समझा देते हैं। ऐसे तो नोमेरिकल ही हम अभी बताएंगे, नोमेरिकल आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम आपको बताते हैं विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तब आपको विचलन कोण अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और यह जो 180 डिग्री माइनस 2i वाला जो फॉर्मूला है यह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नोमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं, जल्दी से कमेंट करिए, अगर रेडी हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो कितना होगा इसका आंसर, अभी हम आपको विचलन कोण के बारे में बताए हैं और इसमें निकालना क्या है, तो विचलन कोण का ही मान निकालना है, जल्दी से बताइए। आपतन कोण का मान दिया हुआ है, अभी ना हम आपको बताए कि अगर आपतन कोण का मान दिया हुआ रहे तो सिर्फ उस फॉर्मूला पर, किस फॉर्मूला पर, इस वाले फॉर्मूला पर,
इस वाले फॉर्मूला पर सिर्फ वैल्यू रखना है, आई के जगह पर वैल्यू रखना है, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपतन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आई का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है। आपतन कोण को इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से, तो आपतन कोण बराबर 45 दिया हुआ है ना, तो आई बराबर हमारा कितना दिया हुआ है बाबू, 45 डिग्री दिया हुआ है, आई बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। और विचलन कोण का मान, विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन कोण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, डेल बोलते हैं। ठीक है, डेल बराबर अभी फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, 180 डिग्री माइनस 2i बताए थे, 180 डिग्री माइनस 2i फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो आई के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ 45 डिग्री सॉल्व कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 गुना 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर आंसर हमारा क्या आ गया जी, 90 डिग्री हमारा आंसर आ गया। डेल का मान यानी कि विचलन कोण का मान हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर इतना आप लोग सीख गए तो समझिए कि 2 नंबर आपका कन्फर्म हो गया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब बताइए विचलन कोण वाला क्वेश्चन पहले आपसे नहीं बनता होगा, लेकिन देखिए विचलन कोण वाला क्वेश्चन कितना आसान है, बस तुरंत बन जाता है, 1 मिनट भी देरी नहीं होता है, 1 मिनट क्या आप मुश्किल से 15 सेकंड में बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का तो आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो विचलन कोण का मान आप लोग समझ गए कैसे निकाला जाता है, और भी हम 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। चलिए इसका तो समझ गए, अगला नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपतन कोण का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 45 डिग्री, आई का मान दिया हुआ था, लेकिन इसमें आई का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू नहीं दिया गया है, और जब तक आई का वैल्यू यानी आपतन कोण नहीं निकालेंगे तब तक विचलन कोण का वैल्यू तो आपसे निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग आई का वैल्यू यानी आपतन कोण का वैल्यू निकाल लीजिए, आपतन कोण निकल जाएगा तो विचलन कोण आराम से निकल जाएगा। तो पहले आपको आपतन कोण का मान निकालना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा यह जो क्वेश्चन है ना यह VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए कैसे इसको कैसे बनाना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए समझ में आ जाएगा। आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे हम लोग चित्र बना देंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चित्र बना देंगे, समझ में आ जाएगा। आपतित किरण परावर्तक सतह से, यह हमारा क्या हो गया बाबू, परावर्तक सतह हो गया, आपतित किरण हो गया, और यह परावर्तित किरण बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया यानी कि यह 90 डिग्री का कोण हो गया, अभिलंब हो गया यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण परावर्तक सतह से यानी कि यह वाला कोण का मान दिया हुआ है हमारा, यह वाला कोण का जो मान है हमारा दिया हुआ है, यह वाला कोण का मान कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, इस वाले कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री, आप लोगों को पहले से पता है कि यह 90 डिग्री है, आप लोगों को पहले से पता है कि यह 90 डिग्री है, तो जब यह 90 डिग्री है इतना 35 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे कैसे हम लोग, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर देंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा इसका, क्योंकि इसका ही वैल्यू निकालना है, आपतन कोण का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आई तो यही ना है हमारा, आपतन कोण हमारा वही है, तो अगर आई का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यह हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इतना 35 है तो इतना क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री तो बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, आई का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ गया, 55 डिग्री, आई का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब यदि हम लोगों से आई का वैल्यू निकल गया, आई बराबर कितना निकल करके आ गया, 55 डिग्री, तो अब देखिए आई बराबर जब 55 निकल करके आ गया तो अब विचलन कोण निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, विचलन कोण बराबर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे क्या, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जो 180 डिग्री माइनस 2i वाला फॉर्मूला है ना इसी का उपयोग लगभग सब जगह होगा, जो प्लस वाला फॉर्मूला था इसका उपयोग लगभग न के बराबर होगा, तो आप लोगों को इस पर ही जोड़ देना है।
अब क्यों जोड़ देना है अभी आप लोगों को हम बताते हैं। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर कभी कभी हो सकता है कि जो प्लस वाला रहे इस पर पूछ दे, तो आप उस पर क्यों नहीं बता रहे हैं, अभी इसका कारण हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से जब घड़ी की दिशा में इसका जो बनता है ना, इसमें 180 डिग्री प्लस 2i होता है। इसका कोण अगर यहां से यहां के बीच में पूछ दे तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा 180 डिग्री प्लस 2i, लेकिन अभी तो हम लोग यहां से यहां के बीच में काम कर रहे हैं, यहां से यहां के बीच में ना काम कर रहे हैं, तो 180 डिग्री माइनस 2i, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 180 डिग्री माइनस 2i वाला फॉर्मूला ही सब जगह लगेगा। तो i का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया था, 55 डिग्री। तो देख लीजिए 180 डिग्री और यहां पर माइनस ना होगा जी, पर माइनस हो जाएगा, एक मिनट, यहां पर माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने और i का मान कितना निकल करके आया था, तो i का मान 55 डिग्री निकल करके आया था हमारा। तो बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 गुने 55 कितना होता है, 110 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। विचलन कोण बराबर, विचलन कोण बराबर क्या निकल गया, 70 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, आपतन कोण और विचलन कोण का मान निकाले, तो आपतन कोण बराबर 55 डिग्री पहले हम लोग वहां से निकाल चुके हैं, और विचलन कोण बराबर तो हमारा निकल गया 70 डिग्री। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से क्वेश्चन लड़कों का थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए पूछ देता है, क्योंकि लड़का सोचेगा अरे तरीके सर तो बताए थे कि आपतन कोण बराबर दिया हुआ रहेगा, यहां तो आपतन कोण दिया हुआ ही नहीं है, कैसे निकलेगा, तो बस यहां से निकल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां से आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री है, इतना 35 दिया हुआ है, तो इतना 90 माइनस 35, अगर 40 रहता तो 90 माइनस 40, अगर यहां पर रहता कि ये कितना है, मान लिया जाए कि 52 डिग्री है, 53 डिग्री या फिर कोई डिग्री रहे, 52 53 54 55 60 65 70 कुछ रहे ना, तो उसको 90 में से घटा लीजिए, ठीक है, 90 में से घटाइएगा ना, तो आई का वैल्यू निकल जाएगा, यानी आपतन कोण का वैल्यू निकल जाएगा, और जब आपतन कोण का वैल्यू हमारा निकल गया तो विचलन कोण बड़े आराम से निकल जाएगा। तो यहां तक समझ गए दोनों मेरिकल क्वेश्चन, तो हम आपको बता दिए। चलिए दोनों क्वेश्चन जब आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो यह वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यह वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग अगर आप यूज करते हैं तो यह वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें विचलन कोण का मान दिया गया है, गलती मत कर दीजिएगा, आपतन कोण का मान नहीं दिया हुआ है, परावर्तन कोण का मान दिया हुआ है, ठीक है, परावर्तन कोण का मान दिया हुआ है बाबू। देख लीजिए सब में आपतन कोण का मान दिया हुआ रहता था, आई बराबर दिया हुआ रहता था, लेकिन इसमें आई बराबर नहीं दिया हुआ है बल्कि आर बराबर दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले आपको आई का मान निकालना पड़ेगा। आई का मान कैसे निकालेंगे जल्दी से आप लोग बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। आई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे जो हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको बताए कि परावर्तन का नियम, अभी हम आपको क्या बताए परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम से यदि हम लोग देखते हैं तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहता है कि नहीं कहता है। परावर्तन का जो नियम है यह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। परावर्तन का कोण हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है, तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण जिसको आई से हम लोग सूचित करते हैं, किस चीज से, आई से, तो आपतन कोण बराबर क्या निकल गया, 80 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, बस इसीलिए हम आपको बोले कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो एकदम सीख जाइएगा, चटनी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। तो परावर्तन का कोण कितना हमारा दिया हुआ था, 80 डिग्री। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो परावर्तन कोण का मान 80 डिग्री, इसलिए आपतन कोण का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो अब यदि हमारा आई बराबर निकल गया 80 डिग्री, तो विचलन कोण अब तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। विचलन कोण डेल बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 180 डिग्री माइनस 2 गुने आई का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो देख लीजिए 180 डिग्री माइनस 80 दूनी कितना होता है, 160 होता है, हटा के आएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। विचलन कोण बराबर कितना हो गया हमारा,
30 डिग्री आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चाहे परावर्तन कोण का मान दिया रहे, चाहे आपतन कोण का मान दिया रहे, चाहे परावर्तन आपतन कुछो न रहे, हम लोग जैसे भी पूछेगा वैसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन में बताए थे इसमें ना तो परावर्तन कोण का मान दिया हुआ था ना तो आपतन कोण का मान दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग आई का मान निकाले ना, फिर भी हम लोग आई का मान निकाले और उससे विचलन कोण निकाल लिए। उसी तरीके से इसमें भी हम आपको बताए परावर्तन का कोण 80 डिग्री तो विचलन कोण हमारा निकल करके आ गया 20 डिग्री। अब तो आप लोग समझ गए, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो फटाफट से, अब सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि सभी को एकदम कंठस्थ समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर समझ गए हैं तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा एक बता दीजिए, सबसे लास्ट, बहुत ही सिंपल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए। आपतन कोण 70 डिग्री है तो विचलन कोण का मान, और जवाब आपको 15 सेकंड में देना है, 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 15 सेकंड में आपको जवाब बताना है। आपतन कोण 70 डिग्री तो विचलन कोण का मान क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। आपतन कोण का मान 70 डिग्री, आई बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 70 डिग्री, विचलन कोण का मान कैसे निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 2i, 180 माइनस 2 गुने 70, 180 माइनस 70 दुनी 140 होता है ना, 180 घटाओ 140 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कितना देर लगा, 15 सेकंड लगा, हमें तो लगता है कि 15 सेकंड भी नहीं लगा, 7-8 सेकंड में बन गया होगा। आई का मान जब दिया हुआ है तो विचलन कोण तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आई का मान जब दिया हुआ है तो विचलन कोण तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो कुल 4 नोमेरिकल क्वेश्चन हम आपको बताए, कुल कितना नोमेरिकल क्वेश्चन बताए 4 नोमेरिकल, जिसमें पहला हम आपको यह बताए, दूसरा नोमेरिकल क्वेश्चन हम आपको यह बताए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत था, तीसरा क्वेश्चन यह बताए इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत था, और चौथा क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना ही नहीं था। तो चारों क्वेश्चन आप लोग समझ गए, चारों क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता है कि चारों में से कहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए ना, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब अगला नंबर टॉपिक हम लोग समझते हैं, या फिर अगला नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझिए पहले क्या कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश जब भी आता है तो प्रकाश स्रोत से ही आता है, प्रकाश जब भी आता है तो कहां से आता है, प्रकाश स्रोत से। जैसे लाइट जल रहा है तो बॉल से लाइट आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है। ठीक है, तो जो ट्यूबलाइट हो गया, जो बल्ब हो गया, क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्रकाश जब भी आता है तो कहां से आता है, प्रकाश स्रोत से आता है। तो कह रहा है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही आसान है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब क्या है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे। जब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाएंगे ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका फंडा क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब मतलब समझे कि नहीं समझे आप लोग, प्रतिबिंब मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, और दबा के लाइक करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, हर एक चीज समझ में आ रहा हो ना, तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए। और जो नए स्टूडेंट है ना, तो डेमो तो देख लिए ना यार, डेमो तो आपको डेमो देख करके पता लग गया होगा कि आगे हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर पढ़ाई होने वाला है, वह कैसा होने वाला है। तो बिल्कुल अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली क्लास करिए, एक दिन भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, डेली आप लोग क्लास करिए। ठीक है, चलिए तो प्रतिबिंब अभी आप लोग बताइए जल्दी से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं, यहां पर गलत हो जाएगा, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर समझने वाला बात है, अगर इस प्रकार से लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। तो यहां पर लिखना है कि उस बिंदु को उस वस्तु का
प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक को हम लोग अंग्रेजी में रियल कहते हैं और काल्पनिक को हम लोग अंग्रेजी में वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल, VIRTUAL। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, याद रहेगा ना, काल्पनिक और वास्तविक, रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक से देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। बहुत ही ज्यादा आसान है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा यहाँ पर केंद्रित होकर के रहिए। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक, नाम से ही आपको लग रहा है कि कोई भी चीज भाई प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक मतलब क्या होता है? जेन्युइन, रियल बन रहा है एकदम। ठीक है, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका फंडा अभी आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में सच में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती नहीं है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि मिल रहा है लेकिन मिलता उलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें लगता है कि मिल रहा है लेकिन मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में वह मिलता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिबिंब ही कैसा है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं इसके बारे में कि लगता है कि पीछे मिल रहा है। जैसे आप लोग जब आईने के सामने खड़ा होते हैं तो देखते हैं कि जितना दूरी से हम आईना के सामने खड़ा है ना, हमारा प्रतिबिंब आईना में उतना पीछे बन रहा है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो सिर्फ हम लोग आभास करते हैं, सिर्फ दिमाग में ही कल्पना करते हैं कि उतना पीछे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसी को कहते हैं कि प्रतीत होती है। ठीक है, सिर्फ कल्पना हम लोग कर सकते हैं लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में एकदम रियल होता है कि रियल होता है। यही अंतर होता है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो अभी और आपको विस्तार से समझ में आएगा। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अभी और आपको विस्तार से समझ में आएगा, बस आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में हम आपको क्या बताए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ दे तो आप लोग क्या लिखिएगा? यही सब कुछ लिखना है। यहाँ पर जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ना, इसी टॉपिक को बस जाकर के लिख देना है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग समझ गए, परिभाषा याद रहेगा ना, उसमें सिर्फ मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, इतना का ही अंतर है, बाकी सब कुछ देख लीजिए सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक अंतर मिल जाएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहां तक समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताते हैं क्या होता है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे यहां पर भी आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, वहां पर भी देख करके आप लोग समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो यहां पर हम आपको बताते हैं। जैसे अगर यह जो हमारा परावर्तक सतह है, ठीक है, यह जो हमारा परावर्तक सतह है इसके ऊपर में ही अगर इमेज बन रहा है, इसके ऊपर में ही इमेज बन रहा है, इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पिक्चर होता है ना वो पीछे भी बन जाता है। ठीक है, तो अगर पीछे बन रहा है तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आपतित किरण है, परावर्तित किरण, यहाँ पर जो इमेज है उसका लग रहा है कि पीछे, इतना मतलब जितना आगे है ना उतना ही लग रहा है कि क्या है, पीछे है। जितना आगे है उतना ही लग रहा है कि पीछे है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आगे है या 5 मीटर आगे है ना, तो आपको लगेगा कि यह 5 मीटर पीछे भी है। ठीक है, अभी ना हम आपको बताएं कि
कि जब आयने के सामने खड़ा होते हैं, जैसे आपके घर में बड़ा आयना लगा हुआ है उसके सामने यदि आप लोग खड़ा होते हैं तो लगता है ना कि 5 फीट दूरी पर अगर हम आयना से खड़ा है तो लगता है कि जो आयना में हमारा फोटो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह 5 फीट पीछे गेल है। लगता है कि नहीं, आपको लगता होगा ऐसा, ठीक है। इस चीज को आप लोग आभास किए हैं, बहुत बार आभास किए होंगे क्योंकि आयना तो आप लोग डेली देखते हैं। तो बस जो पीछे बन रहा है ना उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। और जो आगे बनता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही फंडा था कि मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आप लोग समझ गए कि काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद भी आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होगा। कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब प्रकृति, प्रकृति यानी अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति। कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति लिखिए, तो सबसे पहला तो प्रकृति हो जाएगा कि यह काल्पनिक होता है। सबसे पहला तो प्रकृति यही हो जाएगा कि यह कैसा होता है भाई, तो यह काल्पनिक होता है, और दूसरा यह सीधा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दूसरा यह सीधा होता है, यानी कि जब वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा, समझ गए। उसके बाद जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनेगा। अभी आपको एग्जांपल बताया ना कि जितना दूर पर आप खड़ा होइएगा आयना के सामने उतना ही दूरी पर आपका पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। इसका मतलब कि वह क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके अलावा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। जैसे आप लोग आयना के सामने खड़ा होते हैं, ठीक है, आपका अगर लंबाई 5.5 फीट है तो आयना में भी आपको 5.5 फीट ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला हाथ हमारा इतना बड़ा है तो हमको लगेगा कि नहीं इतना बड़ा है, ठीक है। जितना बड़ा हाथ है उतना ही बड़ा, मतलब जो आयना होता है उसमें उतना ही बड़ा दिखाएगा। अगर हमारा ये जो पेन है इतना बड़ा है तो आयना में इतना ही बड़ा दिखाएगा, ऐसा नहीं कि उसको जूम कर देगा, ठीक है। अब बड़ा किस में दिखाएगा यह हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि बड़ा किस में दिखाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में बड़ा दिखाता है और उत्तल दर्पण में छोटा दिखाएगा, ठीक है। अगर पेन हमारा इतना है, मान लिया जाए कि 6 इंच का है, तो उत्तल दर्पण में ना यह छोटा दिखाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा दिखाएगा, लेकिन समतल दर्पण में बिल्कुल बराबर दिखाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना उसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, तो बिल्कुल बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर यह प्रतिबिंब लगा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु हमारा है जो कि कितना 5 सेंटीमीटर का है या फिर 5 मीटर का है, ठीक है, वस्तु 5 मीटर का है, तो प्रतिबिंब के पीछे उतना ही दूरी पर, ठीक है, प्रतिबिंब के पीछे उतना ही दूरी पर और साइज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर, तो 1 मीटर पीछे यानी कि यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर ही हो जाएगा, समझ गए। अभी हम आपको आगे बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, और उसके अलावा पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको इसका मतलब पता है, पार्श्विक उल्टा मतलब, पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग फटाफट से पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए तो जल्दी से, ठीक है। पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम आपको बताते हैं पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है। आप लोग सैलून में जाते हैं या फिर आपके घर में जो आयना होता है उसी में आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग दाहिना हाथ से बाल झाड़ते हैं ना तो लगता है कि बायां हाथ से झाड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। जब हम लोग दायां हाथ से कंघी करते हैं तो लगता है कि बायां हाथ से, जब हम लोग दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठा रहे हैं, मतलब हम उठाते हैं दाहिना, लेकिन जो आयना होता है, जो शीशा होता है, उसमें लगता है कि बायां उठा रहे हैं, मैंने उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है। उठाते हैं दाहिना, लगता है कि बायां उठा रहे हैं, ठीक है। तो जो उल्टा दिखाई पड़ता है ना, उल्टा जो दिखाई पड़ता है उसी को कहते हैं पार्श्विक उल्टा, उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक उल्टा कहते हैं। अब आप लोग समझ गए, आप लोग आयना के सामने खड़ा होते होंगे तो ऐसा आभास किए होंगे कि दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां, बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि दाहिना, ऐसा आप लोग जरूर फेस किए होंगे, ठीक है। तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उसी घटना को हम लोग पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। तो समझ में आ गया पार्श्विक उल्टा मतलब क्या होता है, बिल्कुल जेन्युइन चीज बताएंगे, ऐसा चीज का उदाहरण देंगे ना
कि जिसका उपयोग आप लोग अपने निजी जिंदगी में कर चुके हैं, तब ना आपको समझ में आएगा। हम लंदन वाला उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके निजी जीवन में जो घटना घटा है उसके बारे में हम बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे हम आपको परावर्तन के बारे में समझा रहे थे, तो परावर्तन के बारे में बॉल फेंकते हैं बॉल कैच करते हैं, बॉल फेंकते हैं बॉल कैच करते हैं, सिंपल घटना है, सब लोग बचपन में कर चुके हैं। तो बस बचपन में क्या अभी भी करते होंगे, तो बस परावर्तन है, वहां से आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस प्रकार के उदाहरण से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, बिल्कुल जेन्युइन चीज, जिस चीज को आप लोग फेस कर चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। और पार्श्विक उल्टा तो आप लोग डेली देखते हैं, डेली आप लोग आईना के सामने कंघी करते हैं, पूरा एकदम क्रीम पाउडर लगाते हैं, बाल झाड़ते हैं और बढ़िया से सेंट उंट लगाते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, हम दाहिना हाथ से झाड़ रहे हैं बाल, लग रहा है कि बायां हाथ से झाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक उल्टा कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक उल्टा कहते हैं। तो समझ गए यहां तक। अब चलिए परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या फिर कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, यानी कि कभी 5 नंबर वाला में तो कभी 2 नंबर वाला में, यह दोनों के बीच अंतर पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखा हुआ है और अभी हम आपको समझाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको आप लोग समझ गए हैं ना तो इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग समझ गए हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इसको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए ना भाई, यहाँ पर हम आपको जो भी बताए ना सब अंतरे है, सब अंतर है, इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए, अगर लघु उत्तरीय में पूछता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। और चलिए आपको हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताते हैं। सबसे पहला अंतर, यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक में यह काल्पनिक कटान से बनता है। क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए वास्तविक कटान से बनेगा, क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए काल्पनिक कटान से बनेगा। पहला अंतर तो बिल्कुल सिंपल है, समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। तो पहला अंतर आप लोग समझ गए कि यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। अगर परीक्षा में आ जाए ना तो यहाँ पर एक लाइन जरूर आप लोग घुसा दीजिएगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, और उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट करिएगा तो जो कॉपी चार्ज करने वाला होगा ना वह पूरा नंबर दे देगा, ठीक है, एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो यहाँ पर लिख देना है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद पहला, यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा, यह हमेशा उल्टा बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना यह हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, भले यह काल्पनिक है लेकिन यह सीधा बनता है, और बशर्ते यह वास्तविक है लेकिन यह उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, लेकिन ध्यान रखिएगा, रियल इमेज है लेकिन यह उल्टा बनता है, यह वर्चुअल है लेकिन यह सीधा बनता है। चलिए, उसके बाद तीसरा, अभी हम आपको बताए थे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बस तीसरा अंतर यही लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या फिर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए, यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना यह दर्पण के बिल्कुल सामने बनता है लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है। अभी हम आपको एग्जांपल देकर के बताए थे, तो यह दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर लघु उत्तरीय में आ जाए ना तो बस यह 4 अंतर लिख दीजिएगा, एक अंतर पर आधा नंबर मिलता है बाबू। अगर 2 अंतर लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, 3 अंतर लिखिएगा तो 1.5 नंबर मिलेगा, 4 अंतर अगर लिख दीजिएगा ना तो 2 नंबर का है ना, तो 2 का 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आप लोग समझ गए ना, यह काल्पनिक कटान से बनता है। चलिए, सब कुछ समझ गए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है, 4 पॉइंट ही तो है यार, बिल्कुल पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब उसके बाद सबसे लास्ट चीज हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद हमारा यह क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हमारा यह क्लास खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। चलिए, बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी क्या लगभग पूछ ही देता है। बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन, हम आपको शुरू में ही बोल दिए हैं कि हम आपको हर एक पॉइंट बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछता है,
एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके परीक्षा में छूट जाए, ठीक है, हर एक चीज बताएंगे। तो बी परिवर्तन किसे कहते हैं और सर्व बी परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको बस आप लोग समझ लीजिए, लास्ट है, 5 मिनट में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। बी परिवर्तन यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उस वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे देख लीजिए आप लोग, यह बीच में कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, यह बीच में क्या है भाई, कोई प्रतिबिंब है, ठीक है। यहां पर हमारा कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लिया जाए कि ऐसे हम इसको रख देते हैं, ऐसा कोई वस्तु हमारा है, ठीक है, सीधा है। लेकिन बी परिवर्तन के बाद क्या होता है, 180 डिग्री के अक्ष पर घूम जाता है, मतलब 180 डिग्री मतलब पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो जब पूरा घूम जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जब प्रतिबिंब में बनेगा ना तो इसका चित्र ऐसे हो जाएगा। देखिए पूरा घूम गया कि नहीं घूम गया, ये सीधा था लेकिन पूरा घूम गया, यानी कि 180 डिग्री पर घूम गया। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर कोण बनाना हो ना, तो ऐसे तो 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से सीधा उल्टा हो जाता है ना, तो इसको 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसा ही ना हो गया, देख लीजिए यहाँ पर था और सीधे उलट गया, यानी कि क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 दूनी 180 डिग्री हो गया। तो यहां तक आप लोग समझ गए, किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और 180 डिग्री के अक्ष पर यदि घूम जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी परिवर्तन बोलते हैं। अब पार्श्व बी परिवर्तन क्या है, तो ध्यान देखिएगा, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि सर दोनों का परिभाषा तो सेम है, अंतर कहां पर हुआ, दोनों का तो परिभाषा सेम है, बताए अंतर कहां पर हुआ, आप लोगों को समझ में आया, अभी भी एक मौका देते हैं, बताइए तो दोनों में अंतर कहां पर है। यहां पर वाला छोड़ दीजिए, दायां वाला भाग बायां, यहां पर था ऊपर वाला भाग नीचे, इसको छोड़ करके अंतर कहां पर है, अंतर यहां पर है, यहां पर क्षैतिज अक्ष के परिचय घूम रहा था और यहां पर उदग्र अक्ष के परिचय घूम रहा है, देख रहे हैं, वहां पर क्षैतिज अक्ष था और यहां पर उदग्र था, क्षैतिज और उदग्र का अंतर है, ठीक है ना, तो यहां पर उदग्र था और वहां पर क्षैतिज था। चलिए इसका एग्जाम्पल देकर के हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, इसका वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है, यानी मान लिया जाए कि यह प्रतिबिंब है, ठीक है, यह प्रतिबिंब है इस प्रकार से है, अगर ठीक है इस प्रकार से मान लिया जाए कि कोई हमारा वस्तु रखा हुआ है, इस प्रकार से कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यह सिर्फ क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, इसका मुंह इस तरफ था, इसका मुंह किधर था, इस तरफ था, और इसका मुंह इस तरफ उलट जाएगा, ठीक है, बस सिर्फ उलट जाएगा, यानी कि यह दायां था और यह क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या कह रहा था, वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है, तो यह जो दायां वाला भाग था ना, इधर आकर क्या हो गया, बायां वाला भाग हो गया। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व बी परिवर्तन। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सा एक लाइन ध्यान रखना है, बी परिवर्तन में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी कि यह वाला घूम के नीचे की तरफ हो जाता है, और पार्श्व बी परिवर्तन में सिर्फ दायां वाला भाग बायां और बायां वाला भाग दायां। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पार्श्व बी परिवर्तन और बी परिवर्तन समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, तो समझ में आया कि नहीं आया, इसमें क्या था ऊपर वाला भाग नीचे और इसमें क्या था दायां वाला भाग, और जो दायां वाला था वह बायां और जो बायां वाला था वह दायां, तो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप लोगों को न समझ में। तो यहां पर आपका जो परावर्तन टॉपिक था ना, वह लगभग खत्म हो गया। पहला जो वीडियो था हमारा, जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट क्लास था, उसमें हम आपको बताए थे प्रकाश के बारे में, जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें हम आपको क्या बताए थे, प्रकाश के बारे में। यह हमारा सेकंड क्लास था और इसमें हम पूरा परावर्तन आपको पढ़ा दिए, पूरा परावर्तन आपको पढ़ा दिए। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर प्रकाश पढ़ाइए दिए, परावर्तन पढ़ाइए दिए तो चैप्टर खत्म हो गया, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, हम आपको शुरू में बोल दिए हैं इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो अभी दर्पण का शुरुआत हम किए हैं, दर्पण का शुरुआत नहीं किए हैं, दर्पण का शुरुआत हम करेंगे अगले क्लास में, दर्पण का शुरुआत हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आज का जो यह क्लास था इसमें प्रकाश पहला जो क्लास था उसमें प्रकाश खत्म हो गया, दूसरा क्लास था इसमें परावर्तन खत्म हो गया,
अब तीसरा जो क्लास पढ़ाएंगे ना, वहां से दर्पण शुरू होगा, और जब दर्पण खत्म हो जाएगा तब समझिएगा कि हमारा यह चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे अप्रोक्स हम आपको बताते हैं कि कुल 7 क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुल 7 क्लास में अपना यह जो चैप्टर है यह समाप्त हो जाएगा। अभी तो 2 ही क्लास हुआ है, अभी 5 क्लास और आप लोगों को करना है, तब जाकर के यह चैप्टर समाप्त होगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, प्रकाश समझ गए, परावर्तन समझ गए, अब अगले क्लास से हम लोग दर्पण समझेंगे, दर्पण को बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो दर्पण सूत्र को प्रूव करना है, एफ बराबर आर बाई टू, ये सब तो अभी अगले क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आज का क्लास बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल अच्छे तरह से, सिर्फ समझ में आया इतना नहीं पूछेंगे, अच्छे तरह से समझ में आया कि नहीं आया यह बताइए। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। चलिए बहुत अच्छा, थक गए लेकिन 1.25 घंटा पढ़ाए लगातार, ठीक है ना, लेकिन कोशिश किए कि एक एक चीज आप लोगों को समझा दें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक को दबा दीजिए एकदम, ठीक है, और दबा करके वीडियो को शेयर करिए, और जितना भी स्टूडेंट आपको जोड़ना है आप लोग जोड़ लीजिए। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, एक चीज हम आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे हम फी तो नहीं ले रहे हैं, आपसे हम फी ले रहे हैं, फी बिल्कुल 0 रुपया, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे हैं। तो बस फी के बदले में आप क्या करो कि जितने सारे भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं हमसे, जितने सारे भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, सब एक एक या दो दो स्टूडेंट हमको दो, ताकि यहाँ पर जुड़ जाए और हमारा लाइव क्लास में अटेंड हो। जितना ज्यादा स्टूडेंट पढ़ता है ना, सुकून मिलता है अंदर से, और पढ़ाने में उतना ज्यादा एनर्जी आता है, और उतना एनर्जी से हम पढ़ाते हैं। तो जितना भी स्टूडेंट अभी जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट आप दो ना, हम दो का डिमांड नहीं करते हैं, ज्यादा तो आपका मर्जी, ज्यादा आप जितना भी दे सकते हो, 10, 20, 50, 100, लेकिन हम कम से कम एक स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है, कम से कम एक स्टूडेंट आप लोग जरूर टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जोड़ो। अगर आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं पढ़ने से तब, अगर आप लोग खुद नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर क्यों जोड़िएगा, लेकिन ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भरपूर संतुष्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट अपना एक दोस्त, ठीक है, अपना एक साथी को टारगेट बोर्ड के साथ जोड़ेंगे। मैक्सिमम आप लोग कितना भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अपना एक स्टूडेंट को जरूर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो ना जुड़ना चाहे तो बस चुपके से उसका मोबाइल ले लीजिए, उसके मोबाइल में टारगेट बोर्ड चैनल खोलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर नोटिफिकेशन जाएगा, खुद से देखना शुरू कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से संख्या बढ़ेगा, तादाद बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हर एक स्टूडेंट से हम फी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, घंटों बकते हैं यहाँ पर आकर के बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए सिर्फ आपसे एक स्टूडेंट चाहिए, एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट देगा, समझ गए ना, हर एक स्टूडेंट, तभी अपना यह परिवार बड़ा होगा। अपना परिवार को आप लोग पहुंचाना चाहते हो मिलियन में, कि जल्दी से सर का चैनल 1 मिलियन क्रॉस कर जाए, तो इसके लिए आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को स्टूडेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक स्टूडेंट लाएंगे ना, एक एक स्टूडेंट ला करके आप लोग टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जोड़िए, कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्री में पढ़ाई हो रहा है, चल के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा आज का यह क्लास, बिल्कुल मजा में निकल गया, बिल्कुल मजा आया होगा आज के इस क्लास में। तो सब कुछ अगर सही है तो आज का यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगले क्लास में हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और खुशी खुशी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।